नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नए खुलासे में पता चला है कि सर्विलांस से जुड़े लीक हुए डेटाबेस में सेना, बीएसएफ और भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधिकारियों के नंबर भी शामिल हैं। इनकी निगरानी किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक निगरानी की इस संभावित सूची में पूर्व बीएसएफ प्रमुख केके शर्मा, बीएसएफ के पुलिस महानिरीक्षक जगदीश मैथानी, रॉ के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, और कर्नल मुकुल देव के नंबर शामिल हैं। फ्रांस की फॉरबिडन स्टोरीज ने सबसे पहले 50,000 से ज़्यादा उन नंबरों की सूची हासिल की थी जिनकी इसराइल के एनएसओ ग्रुप की ओर से निर्मित पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निगरानी किए जाने की संभावना है। इसमें से कुछ नंबरों की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेंसिक जांच की, जिसमें पाया गया कि इन पर पेगासस के जरिए हमला किया गया था। फॉरबिडन स्टोरीज ने इस निगरानी की सूची को द वायर समेत दुनिया के 16 मीडिया संस्थानों के साथ साझा किया है, जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं। इस पूरी रिपोर्टिंग को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। भारत में संभावित निगरानी के दायरे में रहे पत्रकारों, नेताओं, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जांच एजेंसियों के अधिकारियों, कश्मीर के नेताओं के बाद अब सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं। दस्तावेजों से पता चल रहा है कि इन लोगों पर निगरानी करने की योजना ऐसे समय बनाई गई थी जब वो किसी संवेदनशील काम या योजना से जुड़े थे। पेगासस लिस्ट में सेना, बीएसएफ और रॉ के अधिकारियों के नंबर आने से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर सरकार को सुरक्षा एजेंसियों की जासूसी क्यों करानी पड़ी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।